अपनी माताजी की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष 13 मई को आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर की अनुमति कोरोना संक्रमण के कारण नहीं मिलने पर मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने परंपरा को बनाए रखने के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया। बिजोलिया क्षेत्र के आदर्श धाकड़ विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन परिसर में विगत 9 वर्षों से भीलवाड़ा के पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ की पत्नी व मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की माताजी स्वर्गीय सुषमा देवी धाकड़ की पुण्यतिथि 13 मई को उनकी स्मृति में क्षेत्र के युवा संगठन द्वारा अनवरत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन अभी देश और प्रदेश में चल रहे कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस रक्तदान शिविर को आयोजित करने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। इस कारण उसे स्थगित करना पड़ा, लेकिन वर्षों से चले आ रही इस परंपरा को बनाए रखने के लिए मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया। इस क्रम में बिजोलिया क्षेत्र के लक्ष्मीखेड़ा ग्राम के 11 युवाओं ने रामस्नेही चिकित्सालय ब्लड बैंक में रक्तदान किया तो उपरमाल क्षेत्र के अन्य सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान शिविर की अनुमति नहीं मिलने पर आरोली टोल प्लाजा के नाके से नला का माताजी नाके पर आने वाले पैदल यात्रियों को भोजन के पैकेट वितरण करने के साथ ही उन्हें वाहनों में बिठाकर बिजोलिया उपखंड क्षेत्र की सीमा से बाहर पहुंचाकर श्रीमती सुषमा देवी धाकड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर थाडोड़ा सरपंच राजेश धाकड़, झरिया महादेव विकास समिति के अध्यक्ष पप्पू धाकड़, हलवाई रमेश चंद धाकड़ सहित अनेक युवा मौजूद थे।